फिलहाल मेरे पास यहाँ पर है एक कार्डबोर्ड का एम्प्टी बॉक्स। इस पर कुछ ये टेप लगी हुई थी, इसको मैंने रिमूव कर दिया और इसको इस तरह से पूरा चारों तरफ से खोल लिया है और एक साइड से कट कर लिया है, तो ये पूरा ओपन हो गया है। अब मेरे पास ये कुछ फूड कंटेनर है, और अगर आपके पास ये ना हो तो आप इस तरह से जो आइसक्रीम के खाली कप्स होते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो इस्तेमाल होते हैं। अब मैंने इन चारों को यहाँ पर रख लिया, और अब जितनी इनकी हाइट है उसे हमें मेजर करना है, क्योंकि यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे। अब इनको इस तरह से कार्डबोर्ड पर रखकर इनके शेप के अकॉर्डिंग मैंने मार्क लगा लिया है। काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी होगा। आप इसको ड्रेसिंग एरिया या फिर किसी भी ऐसी रैक पर रख सकते हैं जहाँ पर आपकी छोटी मोटी चीज़ें बिखरी हुई रहती हैं। ये काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी होगा। तो देखिए, मैंने इस साइड इस तरह से मार्क लगा लिया। अब इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कट करना है, लेकिन सबसे पहले जो एक्स्ट्रा बड़े बड़े पार्ट हैं मैं उनको अलग कर दूँगी। जो हमने मार्क किया है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कट कर लेना है, और सेम इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी ये निशान लेकर उस साइड भी इसी तरह से कट कर लूंगी। काफी इजी ऑर्गेनाइजर है, घर में पड़े वेस्ट चीजों का यूज भी हो जाता है और बन भी सुंदर जाता है। तो देखिए, सेकंड पार्ट में भी मैंने निशान लगा कर कट कर लिया है। अब इसको हम इस तरह से चेक करके देखेंगे, और जहाँ हमने इसकी हाइट मार्क की थी वहाँ से कुछ इस तरह से इसको प्रेस करके दबा देंगे, तो इस पे इजीली टक हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि इसको बीच से थोड़ा पतला करना है, क्योंकि आइट साइड से ये बॉक्स के अकॉर्डिंग रहेगा, लेकिन बीच में से इसको पतला कर देंगे तो इसका शेप काफ़ी अच्छा आएगा। अब एक बार फिर इसको इस तरह से रख कर इसके शेप को हम सही से कट कर लेंगे, जो थोड़ा बहुत रह गया है। देखो, कुछ इस तरह से काफ़ी परफेक्ट इसके ऊपर आ रहा है। अब मैंने यहाँ पर कलर लिया है, एनिमल कलर मैं इसके ऊपर पेंट कर दूंगी। यहाँ पर मैंने एक ही कोट किया है इन सबके ऊपर, ताकि ये नेचुरल सा दिखे, इसमें कुछ मेसी सा कलर दिखे। अगर आप चाहें तो डार्क करना हो तो आप इस पर दो कोट भी कर सकते हैं। इस तरह से घर में वेस्ट चीज़ों को आप कभी भी मत फेंकिए, जहाँ तक आपको लगे कि हाँ भाई इसका यूज़ हो जाएगा। काफ़ी अच्छी चीज़ें इनसे बनकर रेडी हो जाती है। देखिए, मैंने चारों को कलर कर दिया है। कलर करने के बाद आप साथ ही इसके जो मार्क है वो रिमूव कर दीजिए, नहीं तो फिर थोड़े से घिसने पड़ेंगे कुछ इस तरह से। अब मैंने यहाँ पर लिया है गिफ्ट रैप पेपर, ये थोड़ा मोटा वाला पेपर है, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। अब इसको हमें कार्डबोर्ड टुकड़े से एक एक इंच दोनों साइड से एक्स्ट्रा कट करना है, क्योंकि इसको हमें चिपकाना है। अब मैं इस पे फेविकोल का यूज़ कर रही हूँ, फेविकोल से ही इजीली अच्छे से चिपक जाएगा। तो अच्छे से हमें फेविकोल लगा लेना है कॉर्नर पे, और इसको इस तरह से पेपर को उल्टा करके इसके ऊपर हाथ से दबा देना है, तो इजीली ये चिपक जाएगा। आप देखिए, इसको पलट कर सीधे साइड से भी थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और चेक कर लेंगे कि कहीं पर इसमें थोड़े बहुत सल वगैरह तो ना रहे हो। तो फिर इसको उल्टा करके इस तरह से कट लगा कर फेविकोल से चिपका कर अंदर की साइड अच्छे से फिनिशिंग के साथ फोल्ड कर देंगे। जहाँ पर राउंड शेप है वहाँ पर राउंड शेप में इसको एकदम कार्डबोर्ड से टच करके हमें यहाँ पर चिपका देना है। फेविकोल से इजीली चिपक जाएगा, और जहाँ पर भी इसमें घुमाव है वहाँ पर आप सीजर से कट लगा दीजिए, ये इजीली अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगा। जहाँ पर भी आपको लगे कि ये अंदर चिपक नहीं रहा, तो इसमें डबल से आप फेविकोल अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर से भी इस तरह से ब्रश से आप फेविकोल लगा सकते हैं, पेपर है तो इजीली चिपक जाता है। तो पूरा जो पेपर है हमें इस तरह से ही कट करके और फोल्ड करके इस कार्डबोर्ड के ऊपर लपेट देना है। ये देखिए, कुछ इस तरह से इसकी शेप आ गई है। अब अंदर की साइड जो हमें चिपकाना है वो हमें इससे एक इंच अंदर की साइड लेना है छोटा। तो मेरे ये चौड़ाई में थोड़ा कम था, तो मैंने इसके हाफ हाफ सर्कल कट करके दोनों साइड चिपका दिए और बीच में अलग पार्ट चिपका दिया। तो इस तरह से मैंने पूरा पार्ट कवर कर दिया छोटे छोटे पीसेस में चिपका कर।
अब दोनों साइड मैंने अच्छे से पेपर चिपका लिया है और जो मैंने कंटेनर कलर किए थे वो भी अच्छे से ड्राई हो गए। अब हमें क्या करना है, फेविकोल की हेल्प से इसको यहाँ पर अटैच कर देना है। आप चाहे तो ग्लू गन की भी हेल्प से अटैच कर सकते हो। और ये देखिए कुछ इस तरह से आएगा हमारा DIY, काफ़ी अच्छा लगेगा जब पूरा रेडी हो जाएगा। पीछे के पार्ट पर मैंने कलर नहीं किया क्योंकि ये तो वैसे भी अंदर चिपकाने में ही आने वाला है, इसलिए मैंने सोचा इस पर मैं कलर क्यों वेस्ट करूं, हो सकता है कलर मुझे अगले किसी DIY में काम आए। इसलिए जहां पर भी हमें लगता है कि हाँ ये कुछ चिप जाएगा या यहाँ पर कलर की ज़रूरत नहीं है, तो वहां पर कलर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो अच्छे से चिपकाने के बाद ये सूख गए हैं। अब मैं यहाँ पर साइड में लेस लगा दूंगी। ये मेरे पास कुछ इस तरह से फेदर वाली लेस है, हल्के हल्के इसमें वो धागे जो निकले हुए होते हैं वो वाली लेस से लगाने पर काफ़ी सुंदर लगेगी। यहाँ पर मैंने लेस सिर्फ ऊपर की ही साइड लगाई है, आप चाहें तो इसको नीचे की साइड भी लगाकर कवर कर सकते हैं। और जो इसका बीच सेंटर है यहाँ पर भी कुछ DIY बटन्स वगैरह लगाकर इसको और डेकोरेटिव बना सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर मिरर का वर्क भी अच्छे से कर सकते हैं कुछ फ्लावर वगैरह बनाकर। फाइनली यहाँ पर मेरी लेस भी लगकर कंप्लीट हो गई है। तो ये देखिए फाइनल इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। और पीछे से जो हमने हाइट मेजर की थी उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको फोल्ड करके दबा दिया था। तो यह जब हम ओपन करेंगे और इसको क्लोज करेंगे तो ये इजीली ओपन और क्लोज होएगा। अब देखिए मैंने इसमें कुछ छोटे मोटे अपने आइटम रेगुलर बेसिस के रखे हैं, कुछ बिंदी है, कुछ हेयर क्लिप्स हैं जो अलग अलग मैंने डिसाइड करके, कुछ क्रीम वगैरह अलग, इसमें छोटे मोटे ब्रश और एक में है हेयर क्लिप और एक में है मेरे लिप बाम वगैरह, लिपस्टिक जो डेली बेसिस पे आप लगाते हो वो इसमें इजीली आ जाएंगे। तो आप इसको अपने ड्रेसिंग एरिया पर रख सकते हैं, छोटे मोटे सामान आपके बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे, इसके अंदर अच्छे से कैरी हो जाएंगे और लगेगा भी काफ़ी सुंदर। हाँ एक बात और, हम इसको जब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से नीचे गिरेगा, ये टिका हुआ नहीं रहेगा। और लेकिन जब हम इसको क्लोज करेंगे तो इजीली इसके ऊपर अच्छे से अटका हुआ रहेगा। काफ़ी सुंदर ऑर्गेनाइजर यहाँ पर बनकर रेडी हुआ है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, छोटे मोटे घर के ही सामान से मैंने यहाँ पर बनाकर रेडी किया है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, पसंद आया तो लाइक और डेली लाइफ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।